हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जिया पार्ट ऑफ अकेडमी। बहुत दिन से जीके एक नज़र बंद था, कुछ गले में प्रॉब्लम हो गया था, वो चॉप को जैसा कि आपको पता है, इस कारण से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। तो आज वापसी हुई, कहते हैं ना सर, वापसी हुआ तो धमाकेदार हुआ। आज भारत में जो टॉप 10 चोटी है, पर्वत चोटी, उसकी बात करेंगे। देखते आते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। लेकिन उसके पहले, शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप तक अपने अभी तक आपने एसएससी में ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपकी तैयारी को एक नया रूप मिलेगा सर हमारे साथ, आपको पता ही है। और एसएससी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कोई भी स्टेट लेवल की जो एग्जाम होंगी बिल्कुल क्रैक करेंगे बिना रोके टोके। और डीआरडीओ की क्लास चल रही है अभी भी, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप डीआरडीओ की क्लास को, ठीक है। और दो चैनल बनाए गए सर आपके लिए, एक लाइव टेस्ट के लिए और डिफेंस एग्जाम के लिए। ज्वाइन करिए और अपना फायदा उठाइए। सीबीएसई क्लास के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि वैसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक, वहां भी बच्चे अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। भारत में शीर्ष 10 हिमालय पर्वत चोटियां, टॉप 10 हाइएस्ट हिमालय माउंटेन पीक्स इन इंडिया। इसमें मैंने K2 काराकोरम को शामिल नहीं किया है, ये याद रखना। क्यों शामिल नहीं किया है? क्योंकि सर ये विवादित माना जाता है, ये विवादित माना जाता है काराकोरम, क्योंकि ये पीओके में है, इसे मैंने शामिल नहीं किया है। अगर ऑप्शन में पीओके रहेगा तो बिल्कुल पीओके पे टिक करना, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो कंचनजंगा करना, जिसकी बातें अभी हम करेंगे, ठीक है। बाद में कमेंट्स में मत बोलना सर आपने ये कहा, वो कहा, ये कहा। पीओके में जो है K2 की चर्चा मैंने की ही नहीं है इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कंचनजंगा की, जिसकी लेंथ 8586 मीटर है। कितने? 8586 मीटर। दैट मीन कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दूसरी कौन? पीओके में जो काराकोरम दूसरी और पहली माउंट एवरेस्ट। पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा काराकोरम, तीसरा कंचनजंगा। कंचनजंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? द फाइव ट्रेजर्स ऑफ स्नोज। फाइव ट्रेजर्स ऑफ स्नोज दैट मीन सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र पुस्तकें। ये डेप्थ में भैया कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल रट्टा मार जाना, आने वाले समय में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंचनजंगा की लेंथ की बात करें 8586 मीटर। लोकेशन कहाँ है? सिक्किम, यानी कंचनजंगा महान हिमालय श्रृंखला सिक्किम में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। दूसरा नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड जाएगा। नंदा देवी जिसकी हाइट 7816 मीटर से, लोकेशन की बात करें बच्चों तो उत्तराखंड। नंदा देवी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत में से एक है और भारत में दूसरे स्थान पर है। पहला कौन है? पहला कंचनजंगा है। फिर कहेंगे K2 को लेकर परेशान मत होना, K2 विवादित है, वो पीओके में लोकेशन है उसकी, ठीक है। कामेत पिक, कामेत चोटी कहां है? ये भी उत्तराखंड में है। तो हाइट 7756 मीटर, उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल क्षेत्र के जास्कर पर्वत श्रृंखला पर में कामेत सबसे ऊंचा शिखर है। कामेत ऊंचा शिखर है, बच्चे नोट डाउन कर लेना, नंबर दे लेना, याद कर लेना, भूलना मत। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी इमेज भी देख लो, बहुत दुर्लभ इमेज। साल्टोरो कांगड़ी चोटी की बात करेंगे, हाइट कितने? तो 7742 मीटर्स, लोकेशन जम्मू कश्मीर। साल्टोरो कांगरी साल्टोरो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम की उपश्रेणी है। अब अगर क्वेश्चन बना दें कि साल्टोरो पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में है तो क्या कहोगे? जम्मू कश्मीर है। तो समझना क्वेश्चन कहां से पीस्ट होंगे, क्वेश्चन कहां से आएंगे। सासेर कांगड़ी चोटी, यार देखो इतने मेहनत से कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं आप लोगों के लिए, आपका फर्ज बनता है कम से कम ना फ्लॉट करें, इसे बताएं लोगों को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते ही नहीं हो। सासेर कांगड़ी चोटी की बात करें 7672 मीटर,
ठीक है, लोकेशन जम्मू कश्मीर। मैंने केवल शुरुआत में आपको बताया था कंचनजंगा और नंदा देवी, बाकी बात सबकी ऐसा मत समझना कि सर हाइट के अनुसार घटते क्रम में, नहीं, मैंने बस रेंडमली ले लिया। बाकी बात कंचनजंगा और नंदा देवी को हमने सीक्वेंस में रखा, बाकी बात रेंडम ले लिया। वही मैं चेक कर रहा था कि ये दूसरी तीसरी है क्या, नंबर दे देना केवल कि ये पांचवी है छठी है। ठीक है, लोकेशन जम्मू कश्मीर। सेसर कांगड़ी पांच राजसी पर्वत चोटियों का एक समूह है, पांच राजसी पर्वत चोटियों का एक समूह है, ये देख सकते हो इमेजेस की। मामोस्तांग कांगड़ी चोटी, मामोस्तांग कांगड़ी चोटी की बात करेंगे जिसकी हाइट 7,516 मीटर है, 7,516 मीटर हाइट, लोकेशन जम्मू कश्मीर में है इसकी। तो सर मामोस्तांग कांगड़ी चोटी काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रृंखला की उप श्रेणियों रीमो मुजतक का सर्वोच्च पर्वत है। ममस्तोंग कांगरी सियाचिन ग्लेशियर के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन की बात करेंगे तो आपको पता है कि सबसे ऊंचा वार पैलेस, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, सियाचिन है विश्व का। रीमो चोटी की बात करते हैं, कौन, रीमो चोटी, हाइट 7,385 मीटर, लोकेशन जम्मू और कश्मीर। रीमो इज सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न साइड ऑफ रीमो मुस्तक। रीमो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में उत्तरी भाग में रीमो मुस्ताक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। लोकेशन कहाँ है इसकी, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व के रीमो पर्वत और काराकोरम दर्रा जो पीओके है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, जो मध्य एशिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, जैसे नाथुला सिक्किम और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच प्रमुख कमर्शियल पासेस हैं, व्यापारिक मार्ग हैं, वैसे ही रीमो पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, जो दर्रा एक प्रकार का भी है, चोटी भी है। हरदेओल चोटी, हरदेओल चोटी जिसकी हाइट 7,151 मीटर, चोटी देख रहे हो मतलब क्या है, बिल्कुल ऊपर वाला भाग देख रहे हो, ये ए बी सी सबसे ऊंची चोटी को, यही जिसको चोटी कहते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को चोटी कहते हैं। तो हरदेओल चोटी 7,151 मीटर, लोकेशन की बात करेंगे उत्तराखंड। हरदेओल को भगवान का मंदिर भी कहा जाता है, हरदेओल ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड, जो कुमाऊं हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर में से एक है, उत्तराखंड में लोकेट है, उत्तराखंड में लोकेट है, या उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की मीलम घाटी में स्थित है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मीलम घाटी में स्थित है। चौखंबा चोटी, क्या बच्चों, चौखंबा चोटी देख रहे हो कलर कितनी खूबसूरत है यार, चौखंबा चोटी सर हाइट इसी 7,738 मीटर, लोकेशन उत्तराखंड, मैक्सिमम देख रहे हो उत्तराखंड में है, गजब खूबसूरत बनाया है ऊपर वाले ने, उत्तराखंड को सजाया है, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में। गढ़वाल हिमालय क्षेत्र की बात करें तो स्थित गंगोत्री के समूह में चौखंबा शिखर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, गंगोत्री के समूह, यही जहां से गंगा निकलती है, याद रख रही है उत्तराखंड। त्रिशूल चोटी देख रहे हो कैसा त्रिशूल की आकृति का है, नाम त्रिशूल कैसे पड़ा, त्रिशूल की आकृति के कारण इसका नाम त्रिशूल पड़ा है। 7,120 मीटर उत्तराखंड, इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम त्रिशूल वेपन ऑफ लॉर्ड शिवा, इसका नाम भगवान शिव के त्रिशूल हथियार से लिया गया है। त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड के नंदा देवी अभ्यारण्य के पास है, नंदा देवी अभ्यारण्य कहाँ, उत्तराखंड में है। तो ये था टॉप 10 जो माउंटेन्स इंडिया की हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया, उत्तराखंड में। तो अगर आप मुझसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के जरिए पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे करना चाहते हैं, तो SSC जरूर एडमिशन लीजिए, SSC का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करना है, गोल सेलेक्ट करना है, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, जितने मंथ का कोर्स लेना है सेलेक्ट करना है, लेकिन कम से कम 12 मंथ से कम मत लेना, क्योंकि पैसा बर्बाद चला जाता है यार, क्योंकि जो मैं कोर्स ला रहा हूँ ना वो बिल्कुल 8 से 10 महीने का कोर्स है। रेफरल कोड क्या होगा, BA BA10 BA10, अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे, लास्ट में पेमेंट कर देंगे, और ये हमारा प्रोफाइल जहाँ पे आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है अभी वहाँ पे, शाम के 3 बजे, शाम के 3 बजे।